तो भाई कमाल हो गया पिछला मैच में यार, शाबाश क्लासन शाबाश यार। भाई आज का मैच क्या है, पंजाब वर्सेस राजस्थान का मैच। तो आइए उसी टाइप से क्लासन जैसे खिलाड़ी को फाइंड करेंगे जैसे हम लोग पिछला मैच में कैसे फाइंड किए थे, 4-5 मिनट पूरा उसी पर बात करके फाइंड किए थे। हाँ भैया ये हैदराबाद की तरफ से परफेक्ट खिलाड़ी निकलेगा, सच में निकला वो चीज़ है। तो आइए इसमें भी देखते हैं समझते हैं, ठीक है, आंखें हैं हमारे पास ना, कान भी है सुनने के लिए, सब कुछ है देखने के लिए। तो निकालते हैं कौन ऐसा खिलाड़ी हो सकता है फिर से आज का। तो इसमें देखिए 66वां नंबर मैच है धर्मशाला। इस जगह का नाम लेते ही मतलब ये ग्राउंड, ये वेन्यू, ये स्टेडियम का नाम लेते ही कुछ मन में आता है यार, क्या धर्मशाला। अरे भाई साहब 19 मई 7:30 PM यहाँ पर मैच खेला जाएगा। और ये ग्राउंड, इसकी विशेषता मैं आपको दिखाता हूँ आगे, ठीक है, देख करके आपको लगेगा हाँ भैया धर्मशाला धर्मशाला। मगर हाँ उससे पहले क्या है, वीडियो में करिए एक अच्छा सा बोनी बटा, पंजाब वर्सेस राजस्थान दोनों में से मैच में जीतेगा कौन, जल्दी नीचे कमेंट बस खोल दीजिए, फट से खुलिए, जल्दी टाइप करिए। लिख रहे हैं आप, लिख रहे हैं, याद रखिए कोई और नहीं, आप लिख रहे हैं अपने से कौन दोनों में से कौन आज का मैच जीतने वाला है, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या है आपके लिए, फिर उसके बाद मेरा काम शुरू होगा। देखिएगा मेरा काम कितना है, बस आपके 2-3 काम मैं करवाता हूँ, ज़्यादा नहीं। दूसरा काम ये है टॉपिक कवर इन दिस वीडियो, यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड, एवरी प्लेयर स्टेटस एंड रिकॉर्ड, प्लेयर बैटल, प्लेयर परफॉर्मेंस, जीएल टिप्स, बेस्ट जीएल एंड एसएल टीम, मतलब कह सकते हैं पूरा 7 चीज इसमें दिखाई देने वाला आपको वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ। इसके लिए क्या मांग रहा हूँ मैं, एक आपसे मांग रहा हूँ लाइक, ठीक है। चलो भाई आज तो कम से कम हाथ अच्छा बना है, ठीक है, तो आज 1 लाइक इस वीडियो में आपको देना है इन सब के लिए, और ये हक है मेरा, मेरे को चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये देखिए ये है भाई आपके लिए, नए लोग अभी भी कुछ लोग भटक रहे हैं। एक कमेंट मेरे पास आया, मेरा दिमाग चक्रिया गया घूम करके भाई साहब, मतलब कह सकते हैं बंदा क्या लिख रहा है कि भाई आप वीडियो बनाते सही है, वीडियो सब कुछ ठीक ठाक समझ में आ रहा है, अच्छा है, मगर आप टीम क्यों नहीं देते। अब देखो भाई साहब आप क्या, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, आप ये मेरे टेलीग्राम पे नहीं है, हमारे टेलीग्राम पे जिसका मैं वीडियो बना दिया उसके बाद कोई माई कलाल चाहे कुछ भी हो रोक नहीं सकता हमको टीम देने से अपने टेलीग्राम पे। हाँ एक चीज है जिसका मैं वीडियो नहीं बनाता क्योंकि मेरे पास स्टेटस नहीं होता उसका, तो वो टीम मैं नहीं देता, ठीक है। तो भाई साहब कमेंट करने वाले भैया कि नहीं हमको टीम मिल रहा है, आप अभी क्या कीजिए मेरे साथ, आपको वीडियो दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर देखिए मोर दिखाईता होगा, दिखाई दे रहा कि नहीं, मोर दिखता होगा, ये टाइटल होगा, उसके बाद मोर ये दिखाई देता होगा, ठीक है, उस मोर पे भी क्लिक करिए, नए लोग भी क्लिक करेंगे इसी टाइप से, ठीक है, इसी टाइप से, नहीं तो चले जाएंगे कहीं और। कोई बोलता है भैया पैसा मांगा जा रहा है, बोलते हैं फ्री में वहाँ पैसा मांगा जा रहा है, तो वो लोग सब के लिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ मोर पे क्लिक करें, आज बढ़िया से विधिवत समझा रहा हूँ ये चीज़, मोर पे क्लिक कीजिए, उसके बाद जैसे क्लिक करेंगे आप ये डिस्क्रिप्शन खुलेगा, यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये टाइटल लिखा रहेगा, ये कुछ व्यूज वगैरह कुछ ऐसा कुछ टाइम लिखा रहेगा, डेट लिखा रहेगा, कितना क्या है, ठीक है। उसके बाद नीचे में ये टेलीग्राम का लिंक दिखाई देगा, सबसे ऊपर वाला पॉइंट ही डिस्क्रिप्शन हमारा टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, इसी टाइप से खुला दिखाई देगा आपको, इस पर आपको क्लिक करना, यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे ये टेलीग्राम ओपन हो जाएगा, यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर ज्वाइन होते ही आपको एक आध इमोजी यहाँ पर देना है क्योंकि चार्ज यहाँ पर यही लगता है, यहाँ पर जो है ना पैसा कौड़ी नहीं नहीं लगता भाई साहब, यहाँ पर चार्ज इमोजी लगता है, और जो नहीं देता इमोजी ना जिंदगी भर स्ट्रगलो करता ही हो जान लीजिए, कहे कि हम भी भैया यहाँ पर दिखा रहे हैं मेहनत करके ला रहे हैं सब चीज़ ना, तो उसके लिए एक इमोजी मांग रहे हैं, कौन से बड़का जर जमीन जायदाद मांग ले रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं क्या, इसमें क्या है उंगली बटन तो दबाना है, मैं कुछ ऐसे लोग हैं जो ये भी नहीं दे सकते, और क्या है उम्मीद रखते हैं क्या चीज़ ऊपर वाले से कि हम भैया 1 करोड़ कब जीत जाओ। अरे भाई साहब वहाँ भी कोई है हिसाब किताब करने वाला, ठीक है, इस चीज़ का हिसाब किताब होता है भाई कि हम भी ला कर दे रहे हैं, कोई एक तो लाइक नहीं दे पा रहा, एक तो इमोजी नहीं दे पा रहा, ओके चाहिए 1 करोड़ है 49 रुपया में मिल जाएगी इसे ना मिली, तो ये सब भी देखेगा, हाँ ठीक है, तो ये सब देखिए, ये मेरा ओरिजिनल है, यह पहचान ये है कि मेरा वीडियो जाता है इसमें, ठीक है। तो आप भाई साहब ये कमेंट मेरे पास नहीं आना चाहिए कि भैया टीम नहीं मिला, भैया आप पैसा मांग रहे हैं, तो भैया ये मांग रहे हो मांग रहे हैं, नहीं आना चाहिए मेरे पास, ठीक है। अब अगर आ गया फिर कमेंट में घुस के हो जाएगा भाई मारा मारे, समझे, चीजें हो जाएगी भाई। अब दूसरा काम क्या आपके पास, ये ए क्रिकेट एक्सपर्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल भी आपके सामने है जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं। अब जब इस चीज से फायदा उठा रहे हैं, नहीं होता एक तो जिस थाली में खाया उस थाली में छेद कर दिया साला, तो छेद नहीं करना है, ठीक है। आप अगर इस चैनल के वीडियो से फायदा उठा रहे हैं, टीम बना रहे हैं, सब कुछ जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य भाई साहब के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ठीक है। तो चलिए ये सब चार चीज मैं आपको बोला, ये तो टेलीग्राम आपके फायदे के लिए मैं बताया भाई साहब, इसको ज्वाइन करिए, प्लस में वहाँ पर गिवे वगैरह 50-50 हज़ार 1-1 लाख का गिवे होता रहता है, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना सब कुछ बता दिया कि आप डूबे नहीं, पैसा किसी को दे नहीं, सब कुछ क्लियर हो गया यहाँ तक, तो 4-5 चीज़ हम सिर्फ आपके लिए
कह सकते हैं अपने लिए बताएं, बाकी अब सब आपके लिए आ गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। देखिए धर्मशाला पिच एनालिसिस, अब आंखें नाके काने सब यहां पर गड़ा रहना चाहिए। ये पिच सब लोग मिल मिल के बना रहे हैं इसको, ये है धर्मशाला ग्राउंड कह सकते हैं। बड़ा खूबसूरती ये चीजें देखने में लगती है कि हाँ कुछ है, इसको पूरा दुनिया मिलके नहीं बना सकता इस टाइप का, जो मतलब प्राकृतिक चीज होती है। ठीक है, तो वो कभी भी आदमी नहीं बना सकता, आर्टिफिशियल चीजें अलग होती है। ओके, एवरेज स्कोर 180 से 200 करीब में यहाँ पर जा रहा है, हाईएस्ट स्कोर 232 पे 2 है, मतलब 232 रन यहाँ पर बन गए हाईएस्ट, सबसे ज्यादा सिर्फ 2 विकेट ही गिरे हैं। लोवेस्ट स्कोर 116 रन बना है, 10 विकेट गिरा यहाँ पर। ठीक है, लोवेस्ट, उससे नीचे नहीं आया, ये नहीं कि यहाँ पर 100 रन बन चुका है, 60 रन बना है रे भाई, यहाँ पर कितना 64 रन बना है, तो 70 रन पे ऑल आउट हो गया, ऐसा नहीं, 116 रन बन जा रहा है 10 विकेट में यहाँ पर धर्मशाला के ग्राउंड पे। ठीक है, पिच सुटेबल फॉर ओवरऑल बैटिंग हेल्प फास्ट को मिलता है, ओवरऑल बैटिंग तो है ही क्योंकि बैटिंग है भाई ये सब, मगर हेल्प यहाँ पर फास्टर को भी दिया जाता है। ठीक है, दिया का मिलता है वो अपने बॉलिंग से। अब किस टाइप के फास्टर, कौन है भाई फास्टर, उसके बारे में समझते हैं, कौन आखिर फास्टर वो है। तो देखिए सर, उससे पहले हम बात करें क्या है, वेन्यू T20 स्टैटिक्स, मतलब इस जगह के स्टैटिक्स समझिए कैसा है यहाँ पर। ठीक है, माहौल क्या है, टोटल मैच कितना हुआ है, 8 हुआ आज तक। ठीक है, कौन है, T20 का हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा ये T20, ठीक ना, वनडे पनडे का बात नहीं कर रहे हैं, T20 का बात है। टोटल मैच 8 है, फर्स्ट बैटिंग ओन 6 किया, 2nd बैटिंग ओन 2 किया। देखिए एक चीज निकल के सामने आया, क्या चीज निकल के आया, भाई फर्स्ट में बैटिंग करने वाली टीम जीत रहा है क्योंकि अंधाधुन रन सब मार देता है। ठीक है, तो भाई सेकंड में चेज नहीं हो पा रहा उस हिसाब से। दूसरा बार भाई यहाँ पर क्या स्कोरिंग पैटर्न, ये भी समझिए, बिलो स्कोर 150 पे 2 है, बिटवीन 150 से 169 0 है। ठीक ना, मतलब 150 से नीचे 2 बार बन चुका है। ठीक ना, हाँ एक और चीज है कि भाई 150 से 169 0 बार, इतना के बीच में नहीं बना, 160 का भी आपको रन यहाँ पर बनते नहीं दिखाई दिया, 165 नहीं दिखाई देगा। ठीक है, दिखाई मतलब दिया नहीं है, दिखाई दे सकता है आगे। बिटवीन 170 से 189 3 बार बना है, तो 190 से ऊपर भी 3 बार बना, मतलब 8 बार का मैच में 189 मतलब 90 से ऊपर कह सकते हैं 3 बार, और 170 से 189 3 बार ये बना हुआ, तो अच्छा खासा है, 150 से ऊपर रन कम से कम यहाँ पर देख सकते हैं, 170 से ऊपर कह सकते हैं 3 बार बन चुका है, 6 बार 170 से ऊपर, सिर्फ 2 बार ही नीचे बना है, तो अच्छा खासा रन भी यहाँ पर बनते दिखाई देगा। अब कौन सा इनिंग में रन बनेगा, फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में, कौन बॉलर लेगा, कौन बॉलर नहीं लेगा, सब चीज़ आइए जान, इसलिए बोलता हूँ ना, एक लाइक वक देने में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रहा हूँ आपसे। ठीक है, ये कहाँ से आ गया, अरे भाई जा रहे, अरे तेरी के एक से एक लड़पड़ा है भाई साहब, इसमें भी टेलीग्राम जो है ना लॉगिन करके रखना बहुत मुश्किल काम है, साला किसका मैसेज कब आ जाए पुरुंग, तो ले बट्टा कुछ काम ही नहीं हो पाएगा इसमें अब, है ना। चलिए ये हो चुका है, अब देखिए आगे बात करें, रिसेंट मैच एट वेन्यू, ये क्या है, एक 26 फरवरी 2022 का है, उसके बाद ये भी 2022 का, जिसका हम जिक्र किए थे पहली अपनी वीडियो में जो धर्मशाला में हुई थी। ठीक है, अच्छा खासा उसमें विनिंग अपना हुआ था। उसके बाद एक देखिए लेटेस्ट अभी का है, 17 मई 2023 का, जो डीसी वर्सेस पीबीकेएस का मैच हुआ, तो 213 रन ठोक ठाक दिया भाई साहब डीसी, ठीक ना, अच्छा खासा 2 ये विकेट गिरा इनका और 20 ओवर खेला सब मजे में। पीबीकेएस 198 रन, 8 विकेट गवाए, 20 ओवर, मतलब चेस तो नहीं कर पाए तो फिर भी 198 रन बना पाए थे। इसमें फर्स्ट पेसर में 2, स्पिनर में 0, 2 एंड पेस में 5, स्पिनर में 1, तो मिला जुला के यहाँ पर अगर रीसेंट हालिया फॉर्म देखा जाए तो भैया पेसर, क्योंकि 7 विकेट पेसर ले गया तो स्पिनर सिर्फ 1 विकेट ले गया, वो भी 2 एंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में मजा नहीं के लेके गया है। ठीक है, अब यहाँ पर श्रीलंका इंडिया का है भाई साहब, 183 186, मतलब चेस तो यहाँ पर हुआ है, 5 विकेट 20 ओवर में, 3 विकेट 17.1 ओवर में, फर्स्ट बैटिंग सॉरी फर्स्ट बॉलिंग करने में 3 और 2 एंड में स्पिनिंग करने वाले 2 ले गए हैं, और उसके बाद 2 एंड बॉलिंग में पेस में 3 और स्पिन 0 ले गया। ठीक है, यहाँ पर भी वही है, SL 146 है, तो इंडिया 148 बनाया, यहाँ पर 5 विकेट गिरा 20 ओवर में, उसके बाद 4 विकेट 16.5 ओवर में, 4 विकेट यहाँ गिरा, फर्स्ट पेसर ले गया, स्पिनर 1 विकेट ले गया, 2 एंड में 4 विकेट पेसर, स्पिनर 1 विकेट, मतलब स्पिनर का जलवा उतना अच्छा खासा यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा जितना कि पेसर का जलवा दिखाई देगा, तो कौन सा पेसर समझेंगे आगे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी यहाँ के भाई साहब धर्मशाला पिच के, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, समझने वाली बात ये है इसमें कि आपको बैट्समैन लेके चलने पड़ेंगे, अब बैट्समैन भी कौन किसको लेके जाएंगे पता है नहीं ना, दिखा रहे आपको सब कुछ। ठीक है, समझते जाइएगा, अब देखिए बॉलिंग यहाँ से समझ लीजिए, पहले
उसके बाद बैट्समैन को समझिएगा, ठीक है ना। बॉलिंग क्या है, लास्ट तीन मैच बॉलर्स विकेट्स ऑन पिच, लास्ट तीन मैच जो अभी मैं दिखाया ये इनका मैं दिखा रहा हूं कि यहां पर किस टाइप के बॉलर विकेट लेके गए। देखिए राइट आर्म फास्ट 9 विकेट ले गया तीन मैच में सिर्फ, ठीक है ना। राइट आर्म फास्ट मीडियम सिर्फ 2 विकेट ही ले गया, राइट आर्म मीडियम 3 विकेट ले गया, तो यहाँ पर लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम 3 विकेट ले गया, ठीक है। उसके बाद लेग ब्रेक 2 विकेट, फिर एलएसी यहाँ पर 0 है, फिर ऑर्थोडॉक्स यहाँ पर 2 है, फिर आरओबी 0। तो यहाँ पर सबसे अगर मेन इम्पोर्टेंट, अगर मेरी सलाह माने आप लोग जो यहाँ पर दिख रहा है उसके हिसाब से अगर मैं बोलना चाहूँ तो राइट आर्म फास्ट, ठीक है, ये आपके लिए सही है। राइट आर्म फास्ट मीडियम भी सही नहीं है, मगर ये ज़्यादा सही है। हाँ, हो सकता है एक आध दो इनको भी विकेट ऐसा मिले, जैसे 2 विकेट यहाँ पर मिला है, तो कोई राइट आर्म फास्ट मीडियम अच्छा हो तो उसको कुछ अच्छा भी विकेट मिल सकता है, जैसे कि आगे हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। मगर इस पे नज़र ज़्यादा गड़ा के रखिएगा, राइट आर्म फास्ट ये ज़्यादातर वेरी करेंगे इस मैच में, ठीक है ना। चलिए आगे अगर चले, हालांकि इसके अच्छा आप चाहें जैसे मैं दिखा दिया, ठीक है। अब और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप चाहें तो ऐप में ही जा करके पिछला रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। ऐप में क्या है कि एक ही बार दिख जाएगा आपको, यहाँ पर एक एक करके आपको दिखाई देगा, ठीक है। प्रॉब्लम ये है बस, ऐप में भी जाकर देख सकते हो। बाकी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ राइट आर्म फास्ट, ठीक है। 9 विकेट इनको देखना है, पहले चिन्हित करना है भाई साहब। ये देखिए ये क्या है, ग्राउंड डायमेंशन है, ठीक है। इसका ग्राउंड कितना किधर मीटर बड़ा छोटा है ये आपको यहाँ से दिखाई देता है, ठीक है ना। देख सकते हैं इधर में थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, बाकी इधर तो ठीक ठाक है, छोटा है। अब ये देखिए पंजाब वर्सेस राजस्थान हेड टू हेड में तो टोटल 25 मैच इनके बीच खेला गया, ठीक है, आमने सामने में। 11 बार पंजाब जीता है तो राजस्थान 14 बार मैच को जीता है, ठीक है। प्रीवियस मैच रिजल्ट में तो पंजाब लॉस विन लॉस लॉस विन, राजस्थान लॉस विन लॉस लॉस लॉस, ठीक है। तो राजस्थान यहाँ पर सिर्फ एक बार अच्छा खासा जीता है यहाँ पर, बाकी पंजाब 2 बार जीता है, ठीक है। 5 बार में कहे तो राजस्थान 1 बार और पंजाब 2 बार, ठीक है। ये 5 बार में आप इसको देख सकते हैं, ओके। चलिए अगर आगे आप बात बात करते हुए जाए तो ये देख सकते हैं, ये क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 पंजाब किंग्स, ये पॉसिबल प्लेइंग 11 है, ठीक ना। शिखर धवन इसमें कैप्टनसी करते आएंगे, ठीक है, ये एक नंबर पे। बाकी मेरे टीम में तो कह सकते हैं बहन है आजीवन कारावास, ठीक है। तो ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ऐसा करके ये इनका कह सकते हैं शेड्यूल है, ठीक है। अब हो सकता है इनका मर्जी के ऊपर भी है, कैप्टन ये है, शेड्यूल के हिसाब से इनको ले आए यहाँ, इनको ले आए यहाँ, तो ऐसा भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। ये कोच है, ये दोनों मिलकर के अपना हिसाब किताब करते हैं, बाकी ये पॉसिबल प्लेइंग 11 आपके सामने है, ठीक है ना। चलिए अब आगे अगर बढ़े इनका तो देख सकते हैं ये इनका भैया हिसाब किताब देखिए अच्छे से आप। शिखर धवन, बहुत लोग पूछते हैं कि भैया आप अपने टीम में क्यों नहीं लेके जाते हैं। देखिए लेके जाने का कारण इनका यही है ना, नहीं लेके जाने का, कि भाई ये मेरे को बहुत सारा मैच हरवाए, मैं जीतता है चला गया जीतता है, लगता है कि हाँ भैया एक प्लेयर यही है जो मेरे को हरवाया। हाँ यार, क्या 10-10 प्लेयर डीटी में आ करके एक बंदे को वैसे मैं सिर्फ हारा हूँ मैच, ठीक है। इनका क्यों हारा हूँ देखिए मैं दिखा रहा हूँ, इनका कारण है मैं त्याग इसलिए दिया इनको क्योंकि कारण देखिए, यहाँ पर 0 यहाँ पर 7 अब यहाँ पर 57 यहाँ पर 30 यहाँ पर 28 तीन मैच में अच्छा खासा, अब यहाँ पर का हो गया 2 मैच में, तो ऐसे इनका बीच में पूरा मतलब जो अभी वर्ल्ड कप गया ना उसे पूरा इनका प्रदर्शन इसी टाइप से चल रहा था, ठीक है। एकदम मूड लहर गया तब जाके लास्ट में छोड़ दिया हमारे ना, अब हमरे को कोई यहाँ पर ला करके बोल दे कि भैया तू रैंक 1 हो गया ले ला के तू खाली बस अपने टीम में रख ला तब वो ना, हम कब ना चाहिए रैंक 1 ये जो हमारे टीम में रहें तब, ठीक है। इसलिए मैं इनको नहीं लेके जाता, दिल पूरा टूट गया भाई साहब। लेफ्ट हैंड बैटर ही, बाकी मेरा काम है बताना इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं बात भी नहीं करते इनके बारे में, ठीक है। हाँ, हो सकता है बहुत सारे लोग का मतलब इनके फैन होंगे बहुत सारे लोग, तो ऐसा बुराई कुछ नहीं है, बस प्रॉब्लम मेरा यही है कि मैं इनको फैंटेसी टीम में अपना नहीं ले जाता हूं। बाकी कोई जाति दुश्मनी नहीं है अपना समझे। चलिए यहाँ पर भाई मैच कितना 10 खेले हैं दिस सीजन ये, ठीक है। 10 में 356 रन मारे हैं, एवरेज 44 का रहा है देखिए, और हेड टू हेड में 23 का है रन जो है कि कितना है 662 है, 33 का एवरेज है, ठीक है। वेन्यू पे 7 मैच खेले हैं और रन जो है कि 215 का है, एवरेज 44 का है, मगर फिर भी ये 0 पे यहाँ पर आउट हुए, इसलिए हम नहीं लेके खेलते हैं। क्या करें, जब हर चीज़ बंदे का अच्छा दिख रहा है तो कुछ देना चाहिए, अब पूरा 0 चल जाए तो मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको कुछ रन दिखाई दे सकते क्योंकि दोबारा फिर से बैक टू बैक उसी पिच पे शिखर धवन खेलने जा रहे हैं, तो भाई एवरेज तो अच्छा खासा है ही, परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। अगर फिर भी नहीं मिला तो आप भी मेरे
पैतरा भाज सकते हैं इनके खिलाफ, ठीक है। अगर नहीं हुआ फिर भी बहुत बहुत सारे लोग आकर मेरे को कमेंट किए थे कि भाई आज मेरे को शिखर डुबा दिया, मेरे को डुबा दिया शिखर। हम बोले भाई मेरे को तो ऑलरेडी जीवन भर डुबाया है, तो आज आपको डुबा क्या करिए, कौन सा नया नया काम किया बंदा, ठीक है। अब देखिए प्रभास सिमरन सिंह राइट हैंड बैटर, ये भी है, 27 का एवरेज इनका है, ठीक है। हेड टू हेड में 60 का एवरेज है, वेन्यू पे 22 का एवरेज है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 22, 103, 12, 9, 42, ठीक है। उनसे बढ़िया यही हमारे टीम में तो ही रहेंगे, ठीक ना। एक को तो भाई रखना पड़ेगा ना भाई, दोनों में से कोई तो ओपनर रखना पड़ेगा मेरे को ना, इसलिए मैं इनको रखा हूं। अब उसके बाद देखिए क्या है, अथर्व टाइडे, तो इनको देखिए टाइडे की बात करें 6 मैच खेले 67 रन है, 27 का एवरेज है, ठीक ना। हेड टू हेड कुछ नहीं, मगर वेन्यू पे 55 का एवरेज है, एक ही मैच खेले के रिसेंट परफॉर्मेंस में देखिए 55, 13, 66, 29, 4, उनसे बढ़िया जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। कहा चारों है तो कम से कम ठीक है, मैं जीरो नहीं है, ओके। लैम लिविंगस्टन की बात करें तो 8 मैच है, 270 रन है और हेड टू हेड में 12 रन है, एक मैच खेले हेड टू हेड, ठीक है। मगर वेन्यू पे क्या है, एक मैच खेल के 94 रन मारे थे उसी दिन, अच्छा खासा रन मारे थे, है ना। रिसेंट परफॉर्मेंस भाई यहाँ पर देखिए 94 है, 4 है, फिर 15 पे 0 है, फिर 82 नाबाद है, फिर 40 पे 0 है। ये मतलब कह सकते हैं क्लासन देखें, है ना, क्लासन और ये दोनों सेम सिस्टम मतलब चल रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। पीछे आना भी, अच्छा परफॉर्मेंस भी करना, ये लोग का फितरत हो गया। क्लासन तो मतलब स्पेशलिस्ट कह सकते हैं उसमें। सैम करन लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है ये, ठीक है। 227 रन मतलब टोटल आईपीएल बना हुआ है, हेड टू हेड मतलब आमने सामने, ठीक है, दोनों मैचों में जब हुआ है, दोनों टीमों में जब टक्कर हुआ है, तो 6 मैच खेले हैं, 53 रन और 7 विकेट है इनका। वेन्यू पे 2 मैच खेल करके 57 रन और 2 विकेट है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 11 पे 2 विकेट, 20 पे 0, 4 पे 0 है, उसके बाद फिर 0 है, फिर 29 पे 1 है, तो अच्छा खासा कह सकते हैं लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है ना, देखना पड़ेगा उसमें। मेरे को तो अभी ध्यान नहीं है, बाकी आप लोग ध्यान रखे होंगे तो सही है। राइट आर्म फास्ट तो मेरे को याद है, शायद यही था, है ना। लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम का कितना मेरे को ध्यान नहीं है। जितेश सहशर्मा देखिए 13 मैच है, 265 रन बना है, 22 का एवरेज है, ठीक है। और हेड टू हेड में 2 मैच खेल के 65 का है, उसके बाद वेन्यू पे क्या है भाई साहब, तो यहाँ पर 65 देखिए, इसलिए है कि ये एक बार आउट नहीं हुआ था। एक लोग कमेंट भी कर रहे हैं मेरे को आकर के, बड़ा हिसाब किताब लिख के भाई साहब कि जैसे 65 है भैया तो भागे करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे भैया 32.5 हुआ ना हुआ ना 32.5, तो ऐसा ना आएगा भैया, तो आप यहाँ 65 का ही लिखे हैं। देखिए 65 इसलिए लिखे कि ये उस दिन जो है कि आउट नहीं हुआ होगा, इसलिए ऐसा 2 मैच में यहाँ पर दिखा रहा है हेड टू हेड, ठीक है। उसके बाद वेन्यू की बात करें तो 1 मैच है, रन जो है कि 0 है और रिसेंट परफॉर्मेंस में 0, 5, 21, 49, 9 और 21 यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद देखिए शाहरुख खान 6 रन है, 2 रन है, 21 नबाद है और यहाँ पर तो मौके नहीं मिला, यहाँ 2 है, ठीक है। और 2 यहाँ पर देख सकते हैं मैच खेले हैं, 17 का एवरेज है और वेन्यू पे भी 1 मैच खेल के 6 का एवरेज है, ओके। हरप्रीत बर्रार, तो बर्रार देखिए 4 यहाँ पर विकेट ले लिए, यहाँ पर 0 विकेट था इनका, ठीक है। क्यों, एल ए ओ भाई, देखिए पिच का हिसाब पड़ता है, पिच बहुत बड़ी चीज़ है, हम इसीलिए बोलते हैं ना पिच मतलब 50% आपका कहानी यहाँ से बनता है जीएल का, कि भैया आप क्या करने वाले हैं, क्या है यहाँ पर बंदा 4 विकेट लिया तो यहाँ एको विकेट नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिला, क्योंकि ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, इनके जैसा पिच यहाँ पर है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा इनको, इसलिए 0 मिला इनको, ठीक है। इसलिए देखना बहुत जरूरी, हाँ ये भी बात सही है कि ये हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी क्या ऑर्थोडॉक्स भी है तो 1-2 विकेट झटक लेते हैं, ठीक है, वो सिचुएशन के हिसाब से होता है, मगर ज़्यादातर वेरी करता है भैया पिच रिपोर्ट, इसलिए बोलता हूँ देखा कीजिए ध्यान से, ठीक है। आगे बात कर देखिए राहुल चहर लेग ब्रेक है, ओके। 13 मैच खेल के 7 विकेट लेके 7.5 का इकोनॉमी है, हेड टू हेड में 7 मैच खेल के 7 विकेट का इकोनॉमी और यहाँ पर 8.5 का इकोनॉमी है, ठीक है, 7 ही विकेट लेके गए। वेन्यू पर क्या 1 मैच है, 0 विकेट है, 8.5 का इकोनॉमी, बहुत मतलब कह सकते हैं 9 रन प्रति ओवर मतलब ये रन दे रहा है, ठीक है। रिसेंट परफॉर्मेंस में 0-2-2-0-1, ठीक है। कगिसोर रबाड़ा, ये तो मतलब मूड खराब कर दिया, कह सकते हैं जवान, है ना, कगिसोर रबाड़ा पूरा मूड खराब कर दिया। क्यों मूड खराब किया, क्योंकि बंदे में है दम मगर फिर भी बेसहारा है बंदा, 5 मैच है, 5 विकेट है, 10.5 का इकोनॉमी, हेड टू हेड में 6 मैच है, देखिए यहाँ पर 10 विकेट हेड टू हेड में, फिर भी घंटा कुछ नहीं मिला यहाँ पर, ठीक ना। इकोनॉमी 8.5 का है और वेन्यू पे 2 मैच खेले हैं, 0 विकेट है दोनों में, 10 का इकोनॉमी रहा है, ठीक है, देख सकते हैं आप। बाकी इधर 2-2-1 पता ना क्या है, राइट आर्म फास्ट भी है ना, विकेट इनको मिलना चाहिए मगर इनके लिए है ही नहीं है विकेट वही चीज़ है ना, जैसे नहीं होता, एक दूसरे से हम लोग पतले दुबले हैं, घर में नहीं कहावत है, साला खा
खा रहा मैं इसको खाना लग ही नहीं रहा, खाने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, मैं पतले दुबले कहाँ हैं, कह के लग ही नहीं रहा। तो वही सवाल उनके लिए, राइट एंड फास्ट के लिए वहाँ पर विकेट है ना, ये जो है पिच जो है इन्हीं के लिए है स्पेशल, मगर इन्हीं को विकेट यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे अगर बात करें, हो सकता है आपके बारे में विकेट मिले तो इसलिए रबाड़ा को भी लेकर चलना, क्योंकि अच्छा खासा मतलब वो कह सकते हैं डिटेल्स है इनका। ठीक है, हर्षदीप सिंह का देखिए अरे भाई साहब ये सब कैसे हो रहा है यार, 13 मैच 16 विकेट, ठीक है, 8 में 6 मैच है 14 विकेट है। वेन्यू पे 1 मैच 0 विकेट, रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं यहाँ पर 0 0 0 1 और 1, ये नहीं दिख रहा आपको, 6 मैच में 14 विकेट कुछ नहीं है, मगर ये क्या है, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, इनके लिए विकेट है ही नहीं यहाँ पर। बेशक हैं ये बॉलर अच्छे खासे, मगर विकेट इनको उस टाइप का नहीं मिल रहा भाई साहब, पिच तो कहाँ से विकेट मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे होता है पिच का हिसाब किताब। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या है, बेंच प्लेयर्स में क्या है, यहाँ पर देख रहे सिकंदर रजा मैथ्यू शॉट, ये सबको बेंच प्लेयर में डाला हुआ भाई साहब, इसमें से किसी को भी लेकर क्या आ सकता है, जैसे कि नेथन लिल्स को ज़्यादातर लेके आता है क्योंकि राइट आर्म फास्ट मीडियम है ये, ठीक है, लेकर के आ सकता है, बाकी इसमें से तो किसको लेकर गया, सिकंदर राजा को भी लेकर के आ सकता है इंपैक्ट में, और इन सबको तो डाल दिया भनुका राजपक्षा वगैरह को सीधा बेंच प्लेयर में, जहाँ भैया सुत बैठा आराम से, मैच खत्म हो गया, इनके सेवा समाप्त हो गया है, अब कुछ और एकाध मैच ये वाला हारे वाले तो बात खत्म हो जाएगा, बाहर चले जाएंगे, मगर फिर भी लाएंगे नहीं, है ना। स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर, देखिए स्टार्ट एंड डेथ कौन कर रहा है ओवर, बहुत जरूरी है चीज़, इसके हिसाब से भी अपने को बॉलर लेना, ये नहीं कि बस हाँ राइट एंड फास्ट मीडियम चल रहा उठा के सबको भर लो, अरे भैया राइट एंड फास्ट मीडियम को कब विकेट मिला ये भी देखना है ना। सैम करन, ठीक है, उसके बाद कौन है, अर्शदीप सिंह और कगिसोर रबाड़ा, ये अपना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये अपना पावर प्ले स्टार्ट करेंगे। उसके बाद कौन है, नेथन इल्स, सैम करन, अर्शदीप सिंह, ये एंड करेंगे। अब देखिए कगिसोर रबाड़ा का तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस चल रहा है, सब कोई देख रहा है, हालांकि टीम के कह सकते हैं मतलब हिसाब किताब में अच्छा खासा इनका वो है रिकॉर्ड है, 6 मैच में 10 या 12 विकेट है ना, तो अच्छा खासा रिकॉर्ड है, 14 विकेट है शायद ना, तो अच्छा खासा रिकॉर्ड है, मगर फिर भी ये ओपनिंग करने आ रहे हैं, है ना, मतलब स्टार्ट कर रही है भी इन सबके साथ है मिल करके। अब देखने वाली बात है कि हम लोग इनका प्लेयर बैटल देखेंगे, ये लोग किसको आउट करते हैं, अगर होता है इनके रडार में मान लीजिए आ रहा अगला बैट्समैन तो हम इनको ड्रॉप करेंगे, क्यों, क्योंकि ये भूखा है भाई साहब अभी। कगिसोर रबाड़ा अच्छा खासा बॉलिंग करने वाला बंदा, मगर फिर भी भूखा क्यों है, क्योंकि इसको 2-3 मैच से विकेट नहीं मिला है, और इसके खिलाफ नहीं इसके लायक कह सकते हैं ना, इसके लायक पिच भी है राइट एंड फास्ट को सपोर्ट करने वाला, तो ये जाने का चांस इसको ज़्यादा रहेगा जो भी बैट्समैन फंसेगा। आइए देखते हैं कौन बैट्समैन यहाँ पर फंसने वाला, देखिए फंसने वाला में से कौन है, प्लेयर बैटल शिखर धवन, ठीक है, शिखर धवन कौन कौन आउट कर रहा है भाई, शर्मा जी है, अश्विन है, जंपा, चहल और बोल्ट, सबसे ज़्यादा शर्मा जी हैं और यहाँ पर अश्विन, दो बार इन लोगों ने आउट किया हुआ, बाकी ये लोग एक एक बार आउट करके रखे हैं, ठीक है। उसके बाद जितेश शर्मा कौन आउट करता है, तो चहल है, 11 बॉल फेंक के 21 रन दे करके एक बार आउट करते हैं। उसके बाद कौन है, लाइम लेगिस्टन को कौन करता है, तो 8 बॉल फेंक करके एक बार आउट कर दे, 4 रन दे करके चहल, ठीक है। सैम करन है, तो भाई यहाँ पर शर्मा जी हैं और बोल्ट एक एक बार आउट किए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर ये प्लेयर मैचअप है, इसको भी आप ध्यान से रखिए, स्क्रीन कह सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए शर्ट से, ये भी बहुत जरूरी चीज़ है। देख रहे हैं सिकंदर धवन कितने लोग आउट करने वाले हैं, तो क्या करेंगे लेकर के यार, किससे किससे बचेगा जवान, बच गया तो मारा, नहीं तो फिर गया काम से, इसलिए हम तो पहले ही आर चाहे पार है ना छोड़ देते हो, बाकी आप अपने हिसाब से लीजिएगा। अब ये देखिए बल्लेबाजी, ठीक है, बल्लेबाजी कितना कमाल का चीज़ है ना, 1000 रुपये डिपॉजिट करिए, ए मेगा ए 49 है, ठीक ना, मेगा 49 सॉरी, इसको डालिए कोड, आपको 49 का मेगा लिख फ्री मिल जाएगा साथ में। ये देख सकते हैं यहाँ पर डेली 10 लाख के यूजर को मिल रहा है यहाँ पर 25,000 का गिवे कर सकते हैं, मैक्सिमम कैशबैक भी मिल जा रहा है, ठीक है, 100% कैशबैक, अरे बाप रे बाप, डेली 10 लाख के यूजर को, कमाल कर दिया बल्लेबाजी ने भाई, ये तो कमाल करके रखा है, फैंटेसी वार्स देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लीजिए इसको खेलना स्टार्ट करिए, ठीक ना भाई, ये खेलने वाली चीज़ है, यहाँ से देखिए ये सबसे मतलब सबसे प्यारा लीग मेरे को ये लगता है, 5,175 रुपये लगाओ अगर पिछवाड़े में दम है तब, ठीक ना, जैसे हम लोग में दम है भैया 5,175 सीधा 10,000 रुपये आ गया। फैंटेसी खेलना मतलब दम रखना पिछवाड़े में, चाहे हम हो चाहे आप हो, आपके अंदर भी दम है मेरे अंदर भी दम है भाई साहब, तभी फैंटेसी खेल रहे, नहीं तो ऐसे हलवा पानी नहीं है फैंटेसी आगे खेलना, क्योंकि यहाँ लॉस कितना और कितना हार होता है सबको पता है, हार जीत कितना होता है, ठीक है। तो भाई साहब मेरा कहना यह है कि जब लॉस और हार जीत होता ही रहता है, तो 5,175 का गेम खेलो, एक ही गेम खेलो,
पूरा दम खम हम लगाएंगे एक ही टीम बनाने में, ठीक है, बना करके डाल देंगे, और उसमें सिर्फ कौन रहेगा, दो ये लोग रहेगा, बस बात खत्म, चाहे हम चाहे वो, देख लेंगे फिर, है ना। अगर जीते तो सीधा 5,000, अगर रोज कम यही मैच खाली खेल रहे हैं तो 5-5,000 जीतेंगे, पर भी कितना हो गया, एक ही बार में 1.5 लाख रुपये हो गया, 1.5 लाख घर बैठे। जा भैया, जिसको काम करना है जहां तहां काम करो, जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है, हम बस स्किल अपना थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है, अब हेड टू हेड खेलेंगे। अब भाई अगर ग्रांड लीग खेल रहे हैं आप 49 होला, तो सब्र रखिए, ये स्किल के साथ में आपका लक भी होना चाहिए, तभी ये आपके अगर हो खिलाड़ी उस दिन चलेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि हम पिछला मैच में पूछे थे कि भाई पंजाब जीतेगा कि दिल्ली जीतेगा, तो अरे भाई साहब 85% लोग पंजाब पंजाब पंजाब, सिर्फ पूछे थे जीतने के लिए, बस पंजाब आके लिख दिए भाई साहब, और जब बात हुआ तो दिल्ली जीत गई, 85% ऐसे ही फ्लॉप हो गए। अब सोचिए, जब एक चीज आप बोल नहीं पा रहे सही से कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो 11 प्लेयर लगाना आम बात है, आम बात नहीं है, ठीक है। अगर वो प्लेयर चल भी जाए साथ में तो ये चीज आम बात नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा लक का भी साथ होना चाहिए, मैं इसमें कोई लक का साथ आपका नहीं है, ठीक है। इसमें आपका तू तू बोलेगा कौन, स्किल बोलेगा, सीधा लगाओ निकालो। अगर 2749 है तो सीधा 5,000 रुपये, अगर 1699 तो सीधा 3,000 रुपये, ठीक है। दो दो लोग सिर्फ रहेंगे बस, आप और वो रहेंगे बस, ठीक है। तो ये टक्कर मेरे को अच्छा लगता है, इसका लिंक के नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ, कमाना है तो बल्लेबाजी को डाउनलोड करना है, क्योंकि इसमें बहुत कम मतलब कह सकते हैं कमीशन लेता है ये बल्लेबाजी, आपको अच्छा खासा लीग खिला के देता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, राजस्थान रॉयल्स, इसके बारे में देखते हैं कौन कौन कैसे कैसे यहां पर है। तो जोस बटलर कीपिंग करेंगे ये, ठीक है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, ये ऐसा सिस्टम इनका है। बाकी देखिए कि 5 मैच में से कितना, एक मैच सिर्फ जीते हैं, बाकी सब हलवा पानी में गया, ठीक है। चलिए हलवा पानी में देखते हैं क्यों जा रहा है भाई साहब, कौन है जो हलवा पानी में लेके जा रहा है राजस्थान को। तो भाई देखिए, जोस बटलर राइट हैंड बैट्समैन है ये, ठीक है, 13 मैच खेल के 392 रन है, 30 का एवरेज है, हेड टू हेड 12 मैच खेल के 435 रन और 39 का एवरेज है, वेन्यू पे कुछ एवरेज नहीं है इनका वेन्यू पे, ठीक है, क्योंकि खेल पहले की है जोस बटलर, रिसेंट परफॉर्मेंस में 0-0, 95-8, 18, बड़ी बेकार कह सकते हैं परफॉर्मेंस जोस बटलर का हो गया भाई साहब, ठीक है। मगर फिर भी जोस बटलर है, ठीक है, अपने टीम में तो होने चाहिए, बिल्कुल आज चलेंगे, देखिएगा 100% है कि आज चलेंगे, जोस बटलर शतकों मराएंगे, मेरे को लग रहा है, पता ना क्यों, बाकी क्रिकेट है जो भी हो जाए, मगर शतक मराएगा, इसलिए जोस बटलर मेरे टीम में तो भाई कैप्टन रहने वाला है, ठीक है, मेरे टीम में खासकर, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल भाई साहब, देखे 13-557-47, ठीक है, उसके बाद 42, उसके बाद मेन्यू पे कुछ भी नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 0-98 नबाद है, फिर 35 है, फिर 14 है, फिर 124 है। देखिए दोनों ओपनर जब 0 चल जाए तो वो टीम का क्या हाल होगा, है ना, तो ये मामला है। और ये चीज़ याद रखिएगा, इस जगह पर पहले देख लीजिए उस टीम से बॉलर कितना धाकड़ धाकड़ है, ठीक ना। अगर धाकड़ बॉलर आपको नहीं दिखाई देगा, राइट आर्म फास्ट मीडियम जो है, राइट आर्म फास्ट है, ठीक ना, नहीं दिखाई देता है, तो इन दोनों को अपनी टीम में रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा विकेट नहीं गिरेगा। कोई सोच ले कि भैया हमें 7वां विकेट का बैट्समैन रखे कि हम, अरे इंतजार करेंगे, हमें 7वां हेनरिक क्लासन जैसे बैट्समैन वो आके खेलेगा, तो ऐसा नहीं नहीं होने वाला यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पिच थोड़ा सा अच्छा है बैटिंग के लिए भी, बॉलिंग में भी ऐसा नहीं है विकेट ना मिले, मिलेगा मगर कम, आप पूरा ओवरऑल खेल करके पूरा जानते हैं 4 विकेट गिरेगा तो क्या मतलब है, ठीक है। अगर पूरा दोनों टीम आउट होगा तो 6 से 8 विकेट इतना पूरा दोनों दोनों टीम खेल लेता है, तो ये सिचुएशन यहाँ पर रहता है। हाँ, सेकेंड इनिंग का टीम का थोड़ा सा ज़्यादा विकेट गिरने का चांस है, बाकी ऐसा रहेगा तो दोनों को अपनी टीम में लेके जाएंगे, और नहीं तो जैसे मैं बताया था कि भाई एक तरफ जोस बटलर, एक तरफ इनको जैसे जसवाल को, तो तीन टीम आपके लिए यहाँ से बनेंगे, 1-2 टीम, ठीक है, एक में दोनों, ओके, एक इधर, चलो भाई डिवाइड हो गया, ठीक है, ऐसे करके आप टीम बनाएंगे। चलिए आगे बात करें संजू सैमसन, तो ये क्या है, 37 का यहाँ पर एवरेज है, ठीक है, हेड टू हेड में 41 का एवरेज है, वेन्यू पे 2 मैच खेले हैं, 28 का एवरेज है। देखिए ये अपने टीम से यही बंदा है खेला, जो खेला अभी मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक आगे दिखाई देगा, रिसेंट परफॉर्मेंस में 4 है, 48 नबाद है, 66 नबाद है, 30 है, 14 है, देख रहे हैं, टॉप के तीनों का तीनों फ्लॉप हो गए थे उस दिन, क्या बात है भाई। जॉय रूट, इनका भी देखिए कंडीशन वही वही था, देख सकते हैं यहाँ पर मैच तो 3 खेले, 10 रन है, हेड टू हेड कुछ नहीं है, वेन्यू पे कुछ नहीं है, और यहाँ पर तो 0 विकेट, बॉलिंग को कभी कभी कर लेते हैं, और यहाँ मौके नहीं है, 17 है, फिर 3 है। जॉय रूट हालांकि अच्छा खासा लंबा लंबा शॉट मारने वाला खिलाड़ी, और लंबा मतलब इनिंग विंड कर वाला खिलाड़ी, ऐसा नहीं है, मगर
बेचारे का परफॉर्मेंस देखे। तो यही तक मेरे हिसाब से चार ही बैट्समैन तक आपको नंबर दिखाई देगा आते हुए, बाकी हिट मार के पांचवा में रखा है, मगर हो सकता है चला आगे भेज दे हिट मार को, ठीक है। संजू सैमसंग अपने बाद बुला ले, चाहे अपने से पहले भी बुला ले, कोई भरोसा नहीं हिट मार का। तो ये लेफ्ट हैंड बैटर है, ठीक है, 36 एवरेज है, हेड टू हेड में 33 है, उसके बाद वेन्यू पे भी कुछ नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 35 नबाद ई, सॉरी यहाँ पर कुछ नहीं है, 7 नबाद है, फिर 7 है, फिर 8 है। देखिए ये काम करिएगा, जो आप तीन टीम बनाएंगे ना, तीन टीम से मान लीजिए उधर तो ऊपर वाले को कर लिया आप डिवाइड, उसके बाद इन लोग में क्या है जिसमें संजू ये क्या बोलते हैं यार, जो ये रूट को लीजिएगा ना उसमें इसको मैं मत लीजिएगा, इसको चेंज उसमें डाल दीजिएगा, ऐसा करके आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्रुव जुड़ेल, तो देखिए इनका क्या, ये भी है 2-9, यहाँ मौके नहीं, यहाँ मौके नहीं, यहाँ एक है, बहुत कम मौका मिलता है क्योंकि यही सब खेल के खत्म करते हैं। वेन्यू पे तो कुछ नहीं है, हेड टू हेड में एक मैच खेले, 32 नबाद है सिर्फ, हेड टू हेड इनका ठीक ठाक है, बाकी 20 सीजन में 12 मैच खेल के 142 रन और 20 का एवरेज इनका रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें क्या है, रवि अश्विन, देखिए रवि अश्विन की बात है तो भाई साहब 13 मैच 67 रन है, विकेट 14 मगर लेके गए हैं, हेड टू हेड में 21 मैच खेल के 46 रन, 21 ही विकेट है, वेन्यू पे 3 मैच खेले हैं और रन्स कुछ नहीं है यहाँ पर भाई, उसके बाद 2 विकेट लेके मगर गए हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस में 0-0 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2-0 है, फिर 8 नबाद है, फिर यहाँ पर 2 है। किम आसिफ, इनका क्या है, किम आसिफ का 4 है, फिर 3 विकेट है, और उसके बाद हेड टू हेड क्या है, 1 मैच खेले हैं, विकेट 0 है, वेन्यू पे भी कुछ नहीं है, मगर रिसेंट परफॉर्मेंस में 2-1-0-0-3। इस बंदे का उस दिन आसिफ का शायद सिलेक्शन परसेंट 2 या 3 था, ठीक है। बस तो ये क्यों आपको करना जानते हैं 2 या 3, एक चीज़ और मैं टिप्स देना चाहूँगा आपको, याद रखिएगा मैं, जो प्लेयर बैट्समैनिंग कर रहा है, मतलब बैटिंग कर रहा है जिसका, मतलब मान लीजिए यही अगर राजस्थानी बैटिंग कर रहा है, तो जो कम सिलेक्शन हो मतलब वाला जो बॉलर होगा ना उसको अगर टीम में आप लेके चलिएगा थोड़ा, ठीक है, अगर 2-3 मिलेंगे तो उसमें से कम 2 को उठा लीजिएगा, कम सिलेक्शन वाला, सबसे कम वाला, 1-2%, 3% ऐसा कोई मिले तो आपको, ठीक ना, जरूर याद है, जो मतलब टीम बैटिंग कर रहा है उसका, बॉलिंग वाला का नहीं। उसके बाद क्या है, ट्रेंट बोल्ट, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, हेड टू हेड में 12 और विकेट 9 लेके गए हैं, और पूरा मैच में क्या सकते हैं 9 मैच खेले हैं, 12 विकेट है इनका। उसके बाद वेन्यू पे तो कुछ खेल भी नहीं किए, रिसेंट परफॉर्मेंस में 2 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, इनका चांस है आने का, इस बार देखिए कन्फर्म नहीं है फिर भी, मगर हम शामिल कर लिए अपने टीम में, मगर आने का चांस है उतना, ठीक है। संदीप शर्मा, राइट आर्म फास्ट मीडियम है ये, 11 मैच है, 10 विकेट है, हेड टू में 6 मैच है, 9 विकेट है, इकोनमी 6.5 का रहा है, वेन्यू पे तो 6 मैच खेल करके विकेट 10 का है, 10 विकेट मतलब बनाए हैं, इकोनमी 5.5-6 का रहा था, ठीक है ना। रिसेंट परफॉर्मेंस में 1-1-0-0-1। आगे क्या है भाई, आगे कौन है, हाँ ये देखिए चहल, चहल का अगर बात करें भाई, 13 मैच में 21 विकेट है, काफ़ी खतरनाक है, लेग ब्रेक भी है बॉलर के, ठीक है, हेड टू में 18 मैच है, 29 विकेट है, वेन्यू पे तो 1 मैच खेल के 1 विकेट है, 6.5 का यहाँ पर इकोनमी है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 0 है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 0 है, ठीक है। लेग ब्रेक भी चला है, ऐसा नहीं है, मगर बहुत कम शायद विकेट लेग ब्रेक का था, देख लीजिएगा अगर लेग ब्रेक का विकेट थोड़ा है तो एक बार को चहल को आप देख लीजिए, क्योंकि ये बंदा यहाँ पर 0 पे आउट भी हुआ है, आउट का मतलब 0 विकेट लिया है, 1 भी विकेट नहीं लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बेंच प्लेयर वर्स इंपैक्ट प्लेयर, ठीक है, ये आपके सामने देवदूत पार्टिकल, इसको आना चाहिए भाई साहब, ठीक है, इंपैक्ट में। उसके बाद देखा तो ये इंपैक्ट है, एडम होल्डर को भी डाल दिया सब इंपैक्ट प्लेयर में, बाकी बेंच में तो बैठा कर रख दे किया सब, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो मैं बात कर रहा ट्रेंट बोल्ट वगैरह के, तो यहाँ देखिए स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर, स्टार्ट कौन करेगा, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा और रविचंद्र अश्विन ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। युजवेंद्र चहल, किम आसिफ, संदीप शर्मा, देखिए ट्रेंट बोल्ट वगैरह क्यों नहीं देख रहे हैं, हाँ ट्रेंट बोल्ट ये है, ये स्टार्ट करते हैं, जब स्टार्ट करेंगे तो भाई उधर से आपको कुछ तो कम करना पड़ेगा, कोई तो कोई आपको बैट्समैन बैठाना पड़ेगा, जो अगर स्टार्ट का भी लेके चलेंगे दोनों को और ट्रेंट बोल्ट को भी लेके चलेंगे, बॉलिंग किसको करेंगे भैया, अंपायर का थोड़े करेंगे, ये दोनों में से बॉलिंग करेंगे तो भाई दोनों बैटर को ही करेंगे, तो दोनों में से कोई ना कोई आउट होना ही होना है, अगर कोई भी आउट हुआ एक तो आपका टीम गया गड्ढा में, है ना। जो सपना वो पूरा नहीं होगा वो तो भाई अलग है कि विनिंग जोन में रहेंगे बात अलग है, मैं सपना नहीं पूरा हुआ ये, ठीक है, सपना पूरा करना तो रिस्क लेना पड़ेगा, इसको बैठाना पड़ेगा, नहीं तो इसी को बैठाइए, दोनों को लेकर चलिए, ओके, क्योंकि इनका भाई नया गेंद है, विकेट तो मिलना है, मतलब कह सकते संभावित है, मिल भी जाता है फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट में करते ही नया गेंद भी होता है, अब पावर प्ले में इनको विकेट मिलना ही मिलना है, ओके, कभी कभी होता है जिसे कि ना मिले आज। अब उसके बाद ये लास्ट के हैं, के मासिक देख रहे हैं क्यों मिलता है विकेट, क्योंकि ये इंड करता है बंदा, इंड में विकेट बहुत जल्दी चांस रहता है मिलने का, ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, ओके।
चलिए आगे अगर देखें यहाँ पर तो देख सकते हैं ये, हाँ भाई प्लेयर बैटल, यहाँ पर क्या है जोस बटलर, इनको कौन कौन आउट करता है, नेथन इल्स, चहर, सिंह जी है, रबाड़ा है, ठीक है, ये सब तो दो दो बार आउट करते, बाकी ये लोग एक एक बार आउट कर रहे हैं। संजू सैमसंग को कौन कौन करता है, तो देखिए करण है, नेथन इल्स, रबाड़ा, सिंह जी, यहाँ पर देख सकते हैं दो बार ये है करण, बाकी सब एक एक बार ये लोग आउट करते हैं। उसके बाद यशस्वी जायसवाल, तो देख सकते हैं यहाँ पर सिंह, रबाड़ा और चहर, दो बार सिंह जी हैं, उसके बाद एक बार, एक बार, एक बार। तो देखिए डरने की बात नहीं है, इसमें से सारे आउट तो जरूर कर रहे हैं इनको, मगर इसमें से आपको देखना है कि राइट आर्म फास्ट था कि मीडियम था, यार देख लीजिएगा उसमें, ठीक है, ऊपर में कोई किसका मतलब बताया था, तो राइट आर्म फास्ट लेकर लिखा होगा, तो ये कौन है इसमें से आप देख करके उसको सिर्फ लेके जाइएगा अपने टीम में, ठीक है, बाकी सबको मतलब भरने की जरूरत आपको नहीं है। ये तो बात अलग है कि हाँ ये लोग आउट किया है इनको, ठीक ना, ये इसीलिए लिखा गया है यहाँ पर, बाकी सबको हम भर नहीं सकते। लास्ट में वही है, लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फर्स्ट कमेंट बॉक्स में, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है, इसी जगह आपको टीम दिया जाता है, ठीक है, टीम के बदले एक लाइक इमोजी ये सब आपसे मांगा जाता है, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं इससे मिलता है, सब दुनिया जानते इससे क्या मिलेगा, कुछ मिलता है देख करके, कुछ नहीं, बस यहाँ मोटिवेशन मिलता है कि लोग चाहते हैं भाई साहब काम करने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है काम करने में, ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए करवाता हूँ, अब कर भी दिया कीजिए भाई, कुछ जाना नहीं है आपका इसमें, अगर कुछ जाता तो मैं पक्का नहीं बोलता करने के लिए आपसे, मैं कुछ नहीं जाता इसलिए बोलता हूँ कर दो, बाकी पैसा कौड़ी नया नहीं देना भाई किसी को भी, कोई चीज़ के लिए पैसा नहीं, हम कभी तो मांगते ही नहीं पैसा किसी चीज़ के लिए भी, ठीक है, फिर भी आप दे रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है भाई साहब, जहाँ लुटा रहे हैं क्या कर रहे हैं मेरा उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, मगर पैसा नहीं देना ये मैं बार बार आपको बोलता हूँ। अब देखिए ये क्या है, टीम है आपके लिए, ठीक है, टीम में कौन कौन है अभी देखिए, सैम करण है, बटलर है, धवन है, धवन आपके लिए यहाँ पर रखा गया, बाकी हमारे टीम से आउट हो जाएंगे, और जो टीम होगा फाइनल जो होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, अभी मैं भी इस स्टेट से ही देख के टीम बनाऊंगा, कहीं और विदेश से नहीं आएगा, इसमें से देखूंगा अभी सबको कौन कैसे कहाँ है, उसके बाद हम टीम बनाएंगे तो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जायसवाल, रूट, लिविंगस्टन, अश्विन, करण, सिंह साहब है, चहल है और जंपा, ठीक है, तो ये हमारे टीम में अभी के लिए, जायसवाल हमारा कैप्टन और करण हमारा बीसी है, ठीक है ना, मैं इतना हम बोलेंगे कि ओपनर लोग को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मगर उस बॉलर से बचा के जो हमारे रडार में आ रहे हैं बॉलर, ठीक है ना, उन बॉलर से बच करके उनका मतलब मैचअप ना बने उनके सामने, तब जा करके, ऐसा नहीं कि मैचअप बन रहे दो दो तीन दिन बार आउट किया उसी को आप रख रहे ओपनर रख रहे, वो चीज़ नहीं करना है, ठीक है। चलिए फिर वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, और टीम के लिए कल का टॉस का इंतजार करिए, टॉस जैसे ही होता है अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है, उसके बाद आप टीम बना लीजिएगा, टॉस बहुत जरूरी है, क्योंकि देखे ना कि जो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रहा वही टॉस जीत करके जो बैटिंग कर रहा वही मैच को जीत रहा है यहाँ पर, ठीक है, उस हिसाब से आपको टीम भी बनाना पड़ेगा, टॉस का भी अपडेट हम टेलीग्राम पे करेंगे, तो सब कुछ टेलीग्राम पे फ्री सेवा मिलती है, ओके। चलिए फिर मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, जय हिंद जय भारत।